चंद्रिका को लेके सना मकबूल ने विशाल को समझाया है और यही बात बोली है कि अब तू जाके जो है चंद्रिका से बात कर ले। पर विशाल का कहना ये है कि मैंने एक बार नहीं, मैंने दो बार नहीं, मैंने तीन बार उससे कोशिश की बात करने की, पर उसने मुझसे बात नहीं की। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि चंद्रिका जो है वो हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीपली और बहुत ही ज़्यादा जो है उदासी में लेके आके जो है बोलती है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी वो स्क्रीन पे आती है तब बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लग जाता है कि भाई ये इतनी ज़्यादा सैड बंदी कैसे हो सकती है। मैंने सच में आज से पहले इतना ज़्यादा उदास इंसान जो है कोई नहीं देखा जितनी ये चंद्रिका है। आज जो है जो कठपुतली टास्क जो है घर में हुआ, जिसका रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इवन विशाल, शिवानी और रणवीर को जो है बना दिया है, और उनके हिसाब से जो है बिग बॉस ने उनको बेसिक, प्रीमियर और जो है रेगुलर राशन की लिस्ट भेजी है। अब राशन जो है आने वाला है। उससे पहले जो है चंद्रिका काफ़ी ज़्यादा निराश थी और सना मकबूल और मनीषा से बात कर रही थी कि जो भी चीज़ें इसने बोली है ना विशाल ने, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। मैं इसको भाई मानती थी, मैं इसको अपना देवर मान, मेरे दिल के करीब था। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कैसे, मैंने बस निकाल दिया, दिल से निकाल। यानी कि आप क्या सोचते हो, मैं किचन में ही हूँ, आएगी चंद्रिका, आएगी चंद्रिका, ऐसे आएगी ना सबकी बैंड बजाएगी। भाई इस तरीके से बात करती है ये, आप लोगों को तो पता ही है। तो जब मतलब कि ये कठपुतली टास्क हो रहा था, तब उस दौरान जो है चंद्रिका की आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और ये बात बोली कि भाई चंद्रिका जो है बोलती है कि इधर कुछ हुआ ना मुझे नहीं पता, उधर कुछ हुआ ना मुझे नहीं पता। और अभी पट्टी हट गई, हाई इधर भी कुछ हुआ, उधर भी कुछ हुआ, ये भी हुआ, वो हुआ, पर मेरी असली जगह तो किचन है। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो है चंद्रिका को विशाल की बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है। और चंद्रिका का कहना ये है कि जब रणवीर जी ने भी परफॉर्मेंस की थी, तब उस वक्त उन्होंने विशाल को बेहोश किया था अपनी परफॉर्मेंस में, और उस वक्त ये भी बात बोली थी कि भाई चंद्रिका आ गई, लो लो भाई मैं आ गई हूँ, लो ये पानी पियो, लो चंद्रिका, जहां पर जहां विशाल रहता है वहां पर चंद्रिका जरूर होती है। कि जब लोगों को पता है कि वो इतना ज्यादा सपोर्ट करती है, तो मेरे बारे में ये सब चीजें बातें क्यों बोलनी थी। और सना मकबूल जो है अब विशाल को समझा रही है कि जाके देख तू बात कर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो विशाल ने बोला कि देखो मैंने बात करने की कोशिश की थी और मैं एक्सप्लेन भी मैं कर सकता हूँ कि मैंने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी और मैंने क्यों वो जगह बोली थी। अब मैं नहीं जाऊँगा, उनको ही आके मेरे से बात करनी पड़ेगी। अब चंद्रिका जो है नॉमिनेट हो चुकी है, अब मुद्दा मिला है चंद्रिका को, तो किचन के अलावा कुछ और तो मुद्दा उठाना है, कुछ और बातें तो करनी है। जब से वो नॉमिनेट नहीं थी तब से जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी थी। हालांकि स्टार्टिंग में जो है चंद्रिका ने अपना रूल चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बॉस लेडी बनने की कोशिश की, हालांकि बॉस लेडी बॉस लेडी ही होती है, वो चलाने का नहीं सोचती, उसके ऑटोमेटिकली ऑरा ऐसा होता है कि लोग जो है उसके नीचे दब जाते हैं और उसकी बात सुनते हैं। ये बात चंद्रिका में नहीं है, सिर्फ चंद्रिका में उदासी ही उदासी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर देती है। इसलिए मैं चंद्रिका की वीडियो नहीं बनाती, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए बना दी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।